गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर टूडेज ऑनलाइन क्लास. इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द रूट्स, है ना, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रूट्स के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ रूट्स, जिसमें हमने टैप रूट और फाइब्रस रूट्स पढ़े थे. आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टेम. जो ब्राउन कलर का पोर्शन है जो, वो है आपका स्टेम. कौन सा, द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉयल इज़ द स्टेम. जो पार्ट अबव द सॉयल, सॉयल के ऊपर होता है, जो ब्राउन कलर का होता है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, स्टेम. क्या नाम दिया था, स्टेम. फंक्शंस ऑफ अ स्टेम. अब स्टेम का फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये सारे पार्ट्स को क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है. अनु कुछ नहीं, तो ये क्या करती है, जैसे आपने ये स्टेम देखी थी, ये वाली देखिए, यहाँ पे देखिए, ये स्टेम देखी थी ना, ये स्टेम क्या है, सारे पार्ट्स को, जैसे लीव्स, ये ब्रांचेस को, इनको सबको क्या करती है, आपस में कनेक्ट करके रखती है. नेक्स्ट और क्या है इसके फंक्शन, पहला फंक्शन तो हो गया, इट कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये सारे प्लांट के पार्ट्स को कनेक्ट करके रखती है. इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट अबव द ग्राउंड. और ये प्लांट को सीधा खड़ा होने में मदद करती है. अगर प्लांट में स्टेम नहीं होगी, यानी स्टेम तो उसकी क्या है, एक बैकबोन की तरह है, अगर वो नहीं होगी तो आपका जो प्लांट है वो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा. क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये स्टेम है, इसी से प्लांट सीधा खड़ा, अगर ये नहीं होगी तो ये क्या होगा, गिर जाएगा. इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. और ये क्या करता है, जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो रूट्स में डालते हैं, रूट्स में, फिर एक पाइप की तरह, आपको पता है उस दिन भी बताया था कि ये जो आपकी ये रूट्स हैं, है ना, इससे ये यहाँ की, ये तो आपकी स्टेम हो गई, तो स्टेम में इसको ये क्या करता है, पहुँचाता है टू द, और फिर उसके बाद वो क्या होते हैं, लीव्स के पास चले जाते हैं, पत्तियों के पास. एंड फूड फ्रॉम द लीव्स, और फिर जो खाना पत्तियाँ बनाती हैं वो पूरी बॉडी के, प्लांट के अदर पार्ट्स में चला जाता है. ओके. सम स्टेम्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड आर ईटन बाय अस. और कुछ स्टेम्स क्या होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा खाना स्टोर होता है जिसको हम खाते हैं. जैसे हमने रूट्स को खाया था, किसकी रूट्स को खा रहे थे हम लोग, कैरेट की और रेडिश की, उसी तरह हम स्टेम पोर्शंस को भी खाते हैं. तो कौन कौन सा स्टेम पोर्शन होता है, देखिए शुगर केन, गन्ने में आपने उसका स्टेम खाते हो, पोटैटो में भी आप उसका स्टेम खाते हो, और जिंजर में भी उसका आप स्टेम खाते हो. जिंजर का पोर्शन नीचे है, लेकिन वो उसका कौन सा पोर्शन है, स्टेम. पोटैटो भी देखिए ज़मीन में आपको रूट्स की तरह दिख रहा है, लेकिन वो उसका कौन सा पोर्शन है, स्टेम पोर्शन. अब एक क्वेश्चन है कि व्हाई आर पोटैटो एंड जिंजर स्टेम सो हार्ड इवन दे ग्रो अंडर द ग्राउंड. कि जो पोटैटो और जिंजर है उनकी जो स्टेम है वो इतनी हार्ड क्यों, आपने देखा ना आलू और अदरक को कितने हार्ड होते हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, फूड स्टोर्ड होता है. क्या होता है, फूड स्टोर्ड होता है. अब देखिए, कीप अ पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम. एक गमले में पौधे को अगर आप डार्क कमरे में रख देते हो और विंडो स्लाइटली खोल देते हो, थ्रू विच सनलाइट कैन एंटर, ताकि वहाँ से सूरज आ सके, यू विल ऑब्जर्व दैट द शूट स्टार्ट्स बेंडिंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. तब हम क्या देखते हैं, जो पौधा होता है वो हमेशा किसकी तरफ जाता है, सन की तरफ. क्यों, क्योंकि जो प्लांट होता है वो हमेशा सन की तरफ इसलिए मूव करता है क्योंकि सन से ही उसको क्या मिलता है, लाइट मिलती है. लाइट से वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बनता है, जिससे वो क्या है, खाना बनता है. नेक्स्ट है लीफ. अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लीफ. लीफ यानी पत्ती. लीव्स आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट. जो लीव्स हैं वो क्या कहलाती हैं, किचन ऑफ द प्लांट. किचन ऑफ द प्लांट क्यों कहलाती हैं, और फूड फैक्ट्री, या उसको क्या कहते हैं हम लोग, फूड फैक्ट्री भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि लीफ क्या करती हैं, खाना बनाती हैं.
बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. आपका खाना भी किचन में बनता है, उसी तरह लीफ का खाना, लीफ से जो लीफ है उधर ही खाना बनता है पूरे प्लांट का, इसलिए वो क्या है उसकी किचन कहलाती है. द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और एक ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. इन द लीव ट्रैप्स द सन्स एनर्जी, और जो ग्रीन पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल, वो सन की लाइट को खींचता है. सन्स एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, एयर एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है. नीडेड टू मेक फूड, और क्या बनाता है फूड, सूर्य की रोशनी में सन की लाइट से क्या करता है वो, सन की लाइट यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है और वाटर यूज़ करके खाना बनाता है. कौन बनाता है, लीफ. इसलिए किचन ऑफ द प्लांट कौन है, लीफ. अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ लीव्स की शेप दिख रही है. देखिए लीव्स होती हैं बहुत तरह की शेप्स की होती हैं. ये देखिए ये दूसरे टाइप की है, ये दूसरे टाइप की है. यहाँ पे ये देखिए अलग अलग शेप्स की आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं, दे रही है. अब मैं आपको कुछ लीव्स दिखाती हूँ. देखिए अब आप एक लीव तो ये देखिए, इसकी शेप देखिए, दिख रही है ना कितने अलग टाइप की लीफ है. हाँ दिख रही है आपको ये शेप. अब देखिए हमारे पास और भी लीव्स हैं, इसकी शेप देखिए ये दूसरे टाइप की है. अब इसकी शेप देखिए, हाँ ये दूसरे टाइप की है. अब ये देखिए रोज़ की देखिए, ये साइड से क्या है, कटी हुई है, है ना. अब ये देखिए आप एक हिबिस्कस की, इसको देखिए ये भी दूसरे टाइप की है, है ना. एक ये है पीपल की, ये भी क्या है दूसरे टाइप की है, है ना. और एक ये देखिए सदाबहार की, है ना, या पेरीविंकल की. इनकी सब की लीफ बहुत अलग अलग तरह की होती है. तो अभी हमने आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ाया है कि स्टेम और लीफ के बारे में. ओके चिल्ड्रन, तो अभी हम लोग दो लीफ और इनके बारे में पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ अ लीफ के बारे में पढ़ेंगे.